Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. कॉन्टिन्यूटी है हम लोग क्या करते हैं, नोट में डिफाइन करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट और वही डेफिनेशन लेके चलते हैं जो दुनिया लेके चल रही है. मैं दो चार दिन से एक चीज नोटिस कर रहा हूं, डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स की, है ना. स्कूल मतलब स्कूल ऑफ थॉट, समझे ना. ऐसा नहीं सेंट जूड्स की डेफिनेशन कुछ और है, सेंट फ्रांसिस की डेफिनेशन कुछ और है. इट्स नॉट स्कूल ऑफ थॉट ओनली. So like the problem is different than same author at one point using some other definition, other point some other definition, then there's a problem. If you carry one definition throughout, then it's good. What I am going to use, let f is defined in a neighborhood of alpha. In a neighborhood of alpha, that means alpha minus delta, 2 alpha plus delta, this is, at least this is a set on which f is defined. F may be defined beyond this, but at least this is, that means whatever domain of F, when we are talking about continuity, we are taking interior point. When I say F is defined in a neighborhood of alpha, so alpha minus delta, alpha plus delta should be in the domain or should be itself domain. In both the cases, alpha is interior point. Hai na? Ek toh ye issue ki hum yahan leke chalna hai. Dusra saath mein note laga ke alag kar lenge using that other definition of continuity, inverse image of open set is open, if and only if condition, we will be able to claim that at isolated points, functions are taken to be continuous. ठीक है, कोई issue यहां तक लिखिए. Let quantity definition लिखने जा रहे हैं, continuity. Let f is defined in a neighborhood of alpha. अब नहीं हटाया possibly at alpha, मतलब alpha पे भी. Let f is defined in a neighborhood of alpha where alpha belongs to R. We are in function of real variables. Let f is defined in a neighborhood of alpha where alpha belongs to R. That is, f is defined for all x belongs to, that is, f is defined आपके दो यूनिट, आपकी थर्ड एक्सरसाइज सीक्वेंस की थी, फोर्थ सीरीज की है, सिक्स फिफ्थ आपकी लिमिट की है, कंटिन्यूटी की है, देख लेना एक बार, लिमिट की है. ये दोनों कंप्लीट कर लो, अगली क्लास में डिस्कस कर लेना, उसको पता तो चले कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, तो थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए, कल क्लास अपनी है ये रियल की भी होगी, तो वो क्लीन कर लीजिए. सर ये क्वेश्चन में हमको इश्यू है, आपकी वो आदत मुझे मंजूर है कि वन टू एन बता दीजिए, बट आना आपकी तरफ से चाहिए. सर हमें इस क्वेश्चन में ये तकलीफ है, सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है. ठीक है, मुझे वो भी बताना जिस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं है, कम से कम क्रॉस चेक करूं गलत फहमी तो नहीं हो. नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जहां पे हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, वो एग्जाम में तकलीफ देता है, पहले तो आ रहा होता है यहां पर. सो यहां जो थर्ड हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है क्वांटिटी, यहां से थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है मामला. यहां रिजल्ट ज्यादा बढ़ जाएंगे, इस्तेमाल पुराने टॉपिक का सबका होगा, लिमिट का, सीक्वेंस का, सबका होगा. डेफिनेट खुद ही कह रही है कि लेट एफ इज डिफाइंड इन अ नेबर ऑफ अल्फा फॉर अल्फा बिलोंग्स टू आर, दैट इज एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा फॉर सम डेल्टा पॉजिटिव. जितने अच्छे से आप ना डेफिनेशंस का पोस्टमार्टम करेंगे, फाइंडिंग्स उतनी अच्छी होंगी. गलत फहमी नहीं होगी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, नहीं तो कुछ भी समझोगे कुछ भी बोलोगे. एफ इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड एटलीस्ट इन सम इंटरवल कंटेनिंग अल्फा. इंटरवल इवन इफ वी हैव सम अदर डोमेन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, सो वी विल डिस्कस क्वांटिटी एट दोज पॉइंट विच आर इंटीरियर पॉइंट. और यह काम हमको करना चाहिए था लिमिट में भी, बट कोई आफत नहीं, हम यहां भी नहीं करेंगे, आगे चल के दोनों जगह लिबर्टी ले लेंगे. ठीक है, देन एफ इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट
एक्स इक्वल टू अल्फा इफ लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ अल्फा। बात तो वही है, अभी भी कॉन्सेप्ट लिमिट का ही है, बस यहां बता रहा है कि लिमिट आनी क्या चाहिए। पहले एफ अल्फा जैसी कोई चीज नहीं थी हमारे पास, बिकॉज व्हेन दे वर सेइंग कि फंक्शन डिफाइंड पॉसिबली नॉट एट अल्फा, तो मेरे पास एफ अल्फा था ही नहीं, होता भी तो फर्क नहीं पड़ता मुझे वहां पर। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लिमिट वी वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अल्फा, कहीं चर्चा नहीं हुई है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अल्फा, कहीं पर भी बात नहीं हो रही है। और लिखते भी थे आप कि मोड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस माइनस अल्फा, यानी इस अल्फा में वहां भी इंटरेस्ट नहीं था कि ये इनइक्वालिटी वहां पर क्या करेगी, कुछ करे। बट जब क्वांटिटी पे आए तो आपने कहा कि फंक्शन अल्फा पे डिफाइंड है, केवल अल्फा पे नहीं उसके किसी नेबरहुड में एक ऐसे ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है जिसमें अल्फा कंटेन हो रहा है। ये तो कहने का मतलब हुआ, अब तो एफ अल्फा भी आ गया और लिमिट की बात भी कर सकता हूं क्योंकि लिमिट पॉइंट भी है अल्फा। तो नाउ अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन, वी कैन टॉक अबाउट लिमिट, क्योंकि लिमिट पॉइंट होना जरूरी था लिमिट की डेफिनेशन में। तो अब वो कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, एफ अल्फा के इक्वल, लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ अल्फा। ठीक है, या और थोड़ा सा प्रिसाइसली चूंकि हम लिमिट पढ़ चुके हैं तो ये भी कह सकते हैं, दैट इज वेन एवर सीक्वेंस ए एन टेंस टू अल्फा सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन टेंस टू एफ अल्फा। अब सारी सीक्वेंस को जाने का रास्ता तय हो गया, आप वही जाओगे कहां, एफ अल्फा पे। एक भी सीक्वेंस कहीं और ले गई फंक्शन को एफ अल्फा के अलावा तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कंफर्म। अब जरा थोड़ा सा अपर लोक का अपना दायरा अलग से, ये तो जनरल डेफिनेशन जो चल रही है, अपर लोक सीक्वेंस वो लिमिट कुछ और ढंग से पढ़ के आए हैं, जरा वो समझिए वो कैसे लिखते हैं। लेट एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एस टू आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन एस प्राइम, या अल्फा बिलोंग्स टू एस, सिंपल। लिमिट में क्या लिखा था हम लोगों ने, एस प्राइम, यहां लिखते हैं अल्फा बिलोंग टू एस। नाउ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फा इफ वन अल्फा बिलोंग्स टू एस माइनस एस प्राइम, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट इज कॉन्टिन्यूअस इफ अल्फा इज आइसोलेटेड पॉइंट और इफ अल्फा बिलोंग टू एस प्राइम देन लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ अल्फा। देखिए एफ अल्फा तो है ही मेरे पास, चूंकि अल्फा इसको बिलोंग कर रहा है। नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस, वेदर इट इज लिमिट पॉइंट और इट इज नॉट लिमिट पॉइंट, दो क्वेश्चन बनेंगे ना। हमने डेफिनेशन कहां से स्टार्ट की, अल्फा इज डोमेन मेंबर ऑफ डोमेन, वी डोंट नो वेदर इट इज लिमिट पॉइंट और नॉट, भाई डोमेन होने बच्चों को लिमिट पॉइंट थोड़ी जाता, कंफर्म। सो अल्फा बिलोंग्स टू एस फॉर लिमिट अल्फा बिलोंग्स टू एस प्राइम, फर्क समझ में आ रहा ना। जब लिमिट की चर्चा करते हो आप उस पॉइंट पे फंक्शन चर्चा करते हो जो पॉइंट डोमेन का लिमिट पॉइंट हो। अब आते हैं कॉन्टिन्यूटी पे, हमने अल्फा डोमेन में से लिया, यानी वी विल डिस्कस कॉन्टिन्यूटी इन बोथ द केसेस वेयर फंक्शन डिफाइंड एट अल्फा, डिफाइंड नहीं है बात नहीं होगी उस पर। Now, after being member of alpha, I have two questions. One, whether it is limit point, there are two observations, whether it is member of s minus s prime or member of s. Ya to limit point hai, ya nahi hai. Jaise mera set s hota, 1 upon n, n belong to natural number, union 0. Ab isme se ek set, s mera kaun sa set hai? This. मैंने कोई अल्फा चूज किया एस में से, अल्फा के पास दो चॉइस हैं, अल्फा या तो जीरो हो या तो ना हो। इफ अल्फा इज जीरो देन लिमिट पॉइंट, इफ नॉट देन नॉट लिमिट पॉइंट, बट मेंबर तो है ही ना। तो आपको क्वांटिटी की बात करनी है तो यहां से उठाएंगे एस से, यहां पे ये केस खत्म हो गया, अल्फा लिमिट पॉइंट है। जो ये डेफिनेशन देते हैं उनके पास इस केस का मतलब ही नहीं है। हम लोग क्या ले रहे हैं, इफ इट इज आइसोलेट पॉइंट then continuous, f is continuous at alpha if it is
एसिड पॉइंट, और व्हेन इट इज नॉट एसिड पॉइंट मींस लिमिट पॉइंट, देन लिमिट शुड एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा ऐसे। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने एक नोट लगाना पड़ेगा। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. कि at isolated point, a function is defined at not in a neighborhood of alpha, but at alpha. And alpha is isolated member of domain. तो मान लो continuous है। दो तरह के member होते हैं domain के, limit point और आइसोलेट पॉइंट। तो आइसोलेट पॉइंट पे बाय डेफिनेशन यू शुड टेक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्यों, क्या हमें बिलीव मत कीजिए, मान लीजिए कि वो आइसोलेट पॉइंट है, इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस, बट इफ इट इज लिमिट पॉइंट इट हैज टू पास अ टेस्ट। किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना है तो कैसे होगा? सबसे पहले, इज इट आइसोलेट पॉइंट ऑफ दिस डोमेन? यस, बाय डेफिनेशन इट इज कॉन्टिन्यूअस। No, it is limit point of domain. Now, it has to take a test. Net dena hoga, limit exist karegi, and then equal to value of function, then it will be continuous. Theek hai, kuch logon ko mil jata hai, kuch logon ko exam dena padta hai, nahi, kuch logon ko election lada padta hai, kuch logon ko kuch bhi mil jata hai. Main Shashi Kala ya Rahul Gandhi ya Akhilesh ki baat nahi kar raha hu. कुछ लोगों को एग्जाम देना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब हासिल होता है। कुछ लोगों को बाय डेफिनेशन मिल जाता है, बाय डिफॉल्ट, है ना। पैट्रियार्क, मैट्रियार्क ना, सोशल आर्क। लिखिए, समझ में आ गई डेफिनेशन लिमिट की, कंटिन्यूटी की, ये या ये डेफिनेशन। क्वेश्चन पूछा था वाइवा में, आईएससी बैंगलोर का इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। Sequence of real number is a continuous function, true or not? What is sequence? A function from N to R. What is domain? Natural number. What are the members of domain? They all isolate point. Function has to be continuous at every point. True, है ना? जो domain के isolated members हैं, function वहाँ पे continuous होता है। नॉन आइसोलेट मतलब अगर वो लिमिट पॉइंट है तो फिर उनको लिमिट एग्जिस्ट करानी होगी वहां पर। और जैसे एफ ऑफ एफ फ्रॉम एन एफ फ्रॉम एस टू आर, मैंने एक वो लगाया, एक नोट ये लिखवा दिया आपको अलग से, उसी में नीचे लिख लीजिए। एक ये भी डेफिनेशन है, अलग पैरल काम करेगी, एक वो डेफिनेशन है ना। एस एस टू आर एंड एस इज वन अपॉन एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। ठीक है, और डिफाइन कैसे कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ भी ई टू द पावर एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो, ई पावर एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो। हाँ हाँ, काट दिया, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। एट जीरो टेक सीक्वेंस ए एन दैट टेन टू जीरो, व्हाट अबाउट एफ ए एन, यही ले लो पूरी सीक्वेंस, सारी सब सीक्वेंस इसी की होंगी, सब सीक्वेंस इसकी सब सीक्वेंस ही होने वाली है। चांस का डोमेन ही ऐसा है, टेक एनी सीक्वेंस टेन इंटू जीरो, दैट विल बी सब सीक्वेंस ऑफ दिस ओनली। ये क्या आएगा, व्हाट इज एफ जीरो, जीरो, दैट मीन्स इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट जीरो। हम कहां चेक कर रहे थे, जीरो पे, अल्फा इक्वल टू, मैंने जीरो पे चेक किया। बेचारा एक ही लिमिट पॉइंट है, वही फेल कर गया, और बाकी किसी जगह दे ऑल आर। सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ एस एक्सेप्ट जीरो, because at zero it has to take test. What is that test? Limit should exist equal to value of function. Limit do exist, limit fail nahi kar rahi hai, limit fail nahi kar rahi hai, kar rahi limit fail,
टेक एनी सीक्वेंस कमिंग टू जीरो, एफ एन विल कमिंग टू वन, है ना? सो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो. समझ गए? बाकी किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो नोट लगाइए. नोट्स को गौर से पढ़ा करो कि हम किस चीज को किस पे डिफाइन करते हैं, वही रिटेन करने वाली चीज होती है. डेफिनेशन मेरे पास आ गई कि अ फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट अल्फा इफ आइदर अल्फा इज एन आइसोलेटेड मेंबर वन, और इफ इट इज नॉट सो देन इट हैज टू हैव लिमिट एट दैट पॉइंट. एंड व्हाट इज लिमिट? दैट लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. दिस इज सिंपल डेफिनेशन टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी. देन यही है. और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, इट इज डिफाइंड इन अ नेबर ऑफ अल्फा, तो उनके पास एक ही डेफिनेशन है, लिमिट एक्जिस्ट इन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. ठीक है, तो नोट लगाइए. बाय डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट बाय डेफिनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ क्या कहां से कॉन्टिन्यूटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट इन्वर्टेड कॉमा पॉइंट. बाय डेफिनेशन Continuity is a property of a function at a point in the domain. Point in the domain, say S. Domain ko naam dete hain S. Theek hai sir. And hence, when we want to say, matlab ye meaning samajh lijiye isko. When we want to say F is continuous on S. F is continuous on S. अब क्या कर रहा है वो? कहां बोल रहा है? सेट पे. और प्रॉपर्टी किस चीज की है? वो पॉइंट की है. तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. सो वेन वी वॉन्ट टू से F इज कॉन्टिन्यूअस ऑन S मीन्स इंप्लाइज F इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ S. F इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ S. ठीक है, डन. यहां तो कोई दिक्कत नहीं यहां पर भी. नेक्स्ट, अच्छा कुछ एग्जाम्पल देखा, जैसे कि f ऑफ x इक्वल टू साइन वन बाय x, x बिलोंग्स टू जीरो टू वन ओपन इंटरवल विच इज S. ठीक है, देन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन S. If f of x equal to 1 upon x, x belongs to 0 to 1, then f is continuous on S. This is S. 0, 1 पे टेस्ट ही नहीं करना हमको. ये तो हमारी लिस्ट कही है ना उसमें से. ठीक है, इनके हर पॉइंट पे वो है. नेक्स्ट, ऑल द फंक्शंस इन आर लिस्ट आर कॉन्टिन्यूअस ऑन आर. पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस है. कौन से? एफ वन टू एफ एट, एफ वन टू एफ एट. ये पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, f of x equal to f I x when x is less than equal to a, f j x, x greater than a, and f I and f j are from R list, then f is continuous
एट एक्स इक्वल टू ए एंड हैंस ऑन आर इफ एंड ओनली इफ एफ आई ए इक्वल टू एफ जे ए. समझ रहे हैं ना, ये नोटेशन तो दिक्कत नहीं कर रहे हैं ना. साइन एक्स कॉस एक्स ई टू पावर एक्स पॉलीनोमियल, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, इनके प्रोडक्ट, ठीक है. और फिर एफ आई अपॉन ई टू पावर एफ जे, साइन एफ आई कॉस एफ आई और ई टू पावर एफ आई, इनसे बनने वाले जो फंक्शंस हैं, अगर वो हमारी लिस्ट में हम उनकी बात करते हैं, अगर वो ऐसे आ रहे हैं, यहां पर कुछ भी लिख लीजिए, जैसे आपने लिखा ना, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है. आप CSIR NET या IIT JAM Math Batches ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR NET IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री. डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करियन. की पावर 5, इसी को 5 बाय मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है. और यहां पर साइन x प्लस कॉस x, ये e टू द पावर, ठीक है, इनटू x. प्लस 1. When x is greater than 0, less than equal to 0, less than 0, x is greater than 0. इस फंक्शन f को, ये मेरी लिस्ट में से है, दिख रहा है साफ साफ, वहीं से बनाए गए प्रॉपरली, उन्हीं का गुणा भाग करके या एक्सप्रेशन यूज करके, कुछ और नहीं किया हमने. अब इस फंक्शन को पूरे r पे कंटिन्यूअस होना है अगर, या तो एक पॉइंट फेलियर मिलेगा, बाकी जो दिक्कत है ही नहीं, ए पे दिक्कत है. अगर ए पे होना है तो इस पे रखो जीरो, इस पे रखो जीरो. अगर इक्वल आ गया, अगर इक्वल आ गया तो फिर ये ठीक है. जैसे यहां वो कह दे ए और यहां कह दे बी और यहां कर दे टू. फाइंड द कंडीशन दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर. Find the condition so that this f is continuous on R. तो जीरो पे चेक करना है, यहां रखो जीरो, क्या आएगा लेफ्ट में, a equal to 2 plus b, ठीक है, यानी a minus b equal to 2, a minus b equal to 2. कन्फर्म, ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू 2. कंडीशन मिल गई, नहीं मिल गई आपको? अगर वो बी यहां भी कहीं इन्वॉल्व करता तब भी एक, मतलब एक ही क्वेश्चन तो मेरे पास मिली ना, और दो अननोन है, तो कंस्टेंट ही आएगा दोनों के बीच में, एक फिक्स तो आएगा नहीं. हां, वो ये पूछ सकता है कि इसमें चार ऑप्शन में फॉर विच ए एंड बी द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो वो जो ए और बी देगा, जो इस इक्वेशन को होल्ड कर रहे होंगे उन पे होगा, नहीं कर रहे होंगे नहीं होगा. नहीं, उसने दिया 1 और 2, गलत, 3 एंड 1, 1 एंड 3, नॉट कम्यूटेटिव, 3 एंड 1 करेक्ट, 1 एंड 3 नॉट, मतलब रिस्पेक्टिवली ए एंड बी, क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इसी में, If f of x equal to f I x and f j x, x belongs to Q, x belongs to Q complement. दोनों में हमेशा फर्क बनाए रखना. जब ये एक पॉइंट कनेक्टिंग पॉइंट होता है और जब चिकन पॉक्स बनता है, यहां पर ये ब्रांच फंक्शन है, ये चिकन पॉक्स फंक्शन है, रैशनल रैशनल अलग अलग है, ब्रांचेस पे आ रही है. इन दैट केस एट एनी अल्फा बिलोंग्स टू Q, R, f इज continuous at x equal to alpha if and only if f I alpha equal to f j alpha. यहां पर इसी जगह दिक्कत है, अगर यहां हो गया तो पूरे R पे हो गया, इन केस में केवल उन्हीं जगह होगा जहां पर ये दोनों इक्वल हो रहे होंगे, ठीक.
ठीक है, दैट इज इफ एच एक्स इक्वल टू एफ आई एक्स माइनस एफ जे एक्स देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट द रूट्स ऑफ इक्वेशन एच एक्स इक्वल टू जीरो. तो जब भी आपको दिया जाए दिस माइनस दिस करके, ये हमारी लिस्ट से होने चाहिए, और है ना, ये अपनी लिस्ट से नहीं कुछ और है, तो उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी लिस्ट से बना लो, उनको और ब्रांच बन जाएंगी. लिख दे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भी तो हमारी लिस्ट से ब्रांच बन जाता है ऐसे ऐसे, फिर उसने ब्रांच डिवाइड कर लो उसको. ठीक है ना, इसके जो जीरोज होते हैं वही और सिर्फ वही पॉइंट ऑफ क्वांटिटी होते हैं और कोई नहीं. ठीक है, मतलब क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा आपको, एक फंक्शन देके बताओ ये इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है. सर ये तो डोमेन में नहीं है, क्यों पूछ रहे हो, अलग आंसर. ओके नाउ इट इज इन डोमेन, ये सर बिकॉज इट इज आइसोलेटेड मेंबर, आंसर नो नो इट इज लिमिट पॉइंट ऑफ द डोमेन. ओके नाउ आई विल फाइंड लिमिट एंड सी द इट एग्जिस्ट और नॉट, इफ डजंट एग्जिस्ट नो सर इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इफ इट एग्जिस्ट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इफ इट इज द इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन then continuous, if it is not then again non continuous in this process. ek to ye hota hai at given point, dusra given a function with its domain maybe whole R maybe subset of R, then they ask where this function is continuous and where it is not. So wo hum ikatte kar rahe hain, mere paas ek list hai functions ki, ek hx bhi banaya tha hum logon ne, fi upon fg alag kiya tha, to baat karte hain. पर जो मेरी लिस्ट ऑफ फंक्शंस है f1 टू f8 दे आर कंटिन्यूस ऑन R, वो पूरे R पे कंटिन्यूस है, वो कोई भी R का सबसेट देगा वहां पे हो गई होगा क्योंकि वो पूरे R पे है. उसके अलावा इनसे दो तरह के और फंक्शन बनते हैं तीन तरह के, दो हमने देख लिए, एक ब्रांचेस विथ कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ R एंड कनेक्टिंग फंक्शंस, ब्रांचेस हुज ब्रांचेस आर गवर्न विथ रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी, दो डिफरेंट हो गए. जो ब्रांचेस कनेक्टिंग पॉइंट की हेल्प से बन रहे हैं दे आर continuous on R if and only if they are continuous at connecting point, बाकी देखें वैसी दिक्कत नहीं उनको. जबकि ये जो चिकन पॉक्स आया है दे आर continuous ओनली एट दोस पॉइंट वेयर द ब्रांचिंग फंक्शन आर इक्वल, वेयर द ब्रांचिंग फंक्शन आर इक्वल. फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट. आप x इक्वल टू वन माइनस एक्स किया आपने, दिस इक्वल टू दिस, यहां से क्या आ गया x इक्वल टू हाफ, है ना, x इक्वल टू हाफ. केवल एक जगह कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, पूरे R पे डिफाइन है, व्हाट इज डोमेन पूरा R, बट कंटिन्यूस कहां है, ओनली एट वन पॉइंट एट दिस हाफ. सो x इक्वल टू हाफ इज द ओनली पॉइंट ऑफ continuity. Example 2, f of x equal to product x minus alpha I vary from 1 to n when x belongs to q, 0 when x belongs to q complement, where alpha 1, alpha 2, alpha n are given distinct real numbers. Then f is continuous at x equal to alpha 1, alpha 2, alpha n only. This is interesting. क्योंकि this equal to this मतलब ये पॉलीनोमियल के जीरो, ये पॉलीनोमियल जीरो कहां है, alpha 1, alpha 2, alpha n. So ये केवल और केवल इन्हीं पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा. आपसे कोई पूछे ऐसा फंक्शन बताओ जो केवल 1, 2, 3 पे कंटिन्यूस हो, नहीं तो 1, 2, 3 हो जाओ. इंटरव्यू में ऐसे ही पूछ सकता है ना कोई, है ना, इंटरव्यू बोर्ड ऐसे ही दुखी करेगा ना, बताओ नहीं तो 1, 2, 3. इफ गिव मी एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस ओनली एट 1, 2 एंड 3 एंड नो वेयर, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 व्हेन रैशनल एंड 0 एल्सवेयर, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ओनली एट 1, 2 एंड 3 एंड नो वेयर एल्स, और कहीं होगा, पक्का ना, कंफर्म.
हाँ जी, सिर्फ इन्हीं पॉइंट पे होगा, ठीक। अच्छा, इन पॉइंट को छोड़ के बाकी सब जगह हो, दूसरा फंक्शन जो इन पॉइंट को छोड़ के बाकी सब जगह हो। अरे इन तीन पॉइंट पे मान लो 1 2 3 फंक्शन को, अब बाकी सब जगह 0। यू कैन ऑलवेज डिफाइन फंक्शन ना, अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एट दीज 3 पॉइंट ओनली, यू हैव आइडिया नाउ। नाउ अ फंक्शन विच फेल्स एट दीज 3 पॉइंट ओनली एंड एल्स वेयर इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो क्या करो, मेक इट 0 आइडेंटिकली एट दीज 3 पॉइंट, 1 पे 1 2 पे 2 और 3 पे 3 वैल्यू मान लो, बाकी सब क्या कर लो 0। तो लिमिट क्या आएगी 0, वैल्यू क्या है 1। अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया, मान लीजिए ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू 1 2 3 एंड 0 एल्स, व्हाट इज एफ 1 1 एफ 2 2 एफ 3 3 नाउ टेक एनी सीक्वेंस ए एन टेंडिंग टू 1, व्हाट इज एफ एन 0। ये 2 पे, ये तो हमेशा बाकी है तो ये 0 ही है ना, फंक्शन वैल्यू क्या है, सीक्वेंस 1 की नेबर में, सीक्वेंस 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा की नेबर में सीक्वेंस जब चूज करोगे तो वैल्यू क्या है उसकी, हमेशा 0। तो लिमिट क्या आएगी 0, वैल्यू क्या है 1। 2 के नेबर में चूज करो सीक्वेंस 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा, व्हाट इज द सीक्वेंस टेंडिंग टू 2, बट एफ 2 इज एफ ए एन इज व्हाट ऑलवेज 0, क्योंकि ये 3 पॉइंट पे वैल्यू 1 2 3 है, बाकी जगह वैल्यू क्या है 0। दिस फंक्शन फेल्स टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ओनली दिस 3 पॉइंट। बहुत तरीके हैं, मैंने सिंपलेस्ट तरीके बता दिया आपको कि ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है ना, यहां पर आप फंक्शन को गौर से देखो, फंक्शन कैसा है, क्या अपनी लिस्ट में से आ रहा है, उनके प्रोडक्ट से है, सम से लिस्ट के बाहर है, तो भी कैसा डिफाइन किया गया वो भी देखना, हाउ इट इज डिफाइंड, हाउ इट बिहेव्स। आपने फंक्शन देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जरा इसके बारे में कोई खास बताओ हमको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू क्यू, एक्स बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, और एफ मेरा माइनस 1 2 1 से माइनस 1 2 1 है ना, ये फंक्शन ले लिया वेयर, हाँ इसके बारे में कुछ कुछ हम लोग कमेंट करते हैं इसके ऊपर। पहला कमेंट, क्या बढ़िया फंक्शन है, हाँ मेरा हो गया, आपका इट इज कॉन्टिन्यूअस 0, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा फिर से मेरा इट इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 ओनली, आपने केवल बोला था 0, हमने ओनली लगा दिया, अब मेरा। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. हो गया। आपने ओनली बोला था। अच्छा वो पहले बोल दिया था, कोई बात नहीं। F is continuous at 0 only. True? जब ब्रांचेस रैशनल इरैशनल से गवर्न होंगी तो सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट मिलेंगे जहां पर ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा, और कोई नहीं। और कोई इसके बारे में, हाँ चिकन पॉक्स फंक्शन है ये इनका स्टेटमेंट, और डोमेन माइनस 1 2 1 है, को डोमेन 1 2 माइनस 1 2 1 है, और कुछ इनवर्टिबिलिटी, हाँ मेरे बगल बहुत दूर है, ये इनवर्टिबल फंक्शन है, 1 1 है, ऑन 2 है, देख लो है कि नहीं, 1 1 तो कम से कम है ही ना, ऑन 2 नहीं, ऑन 2 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, रैशनल सारे मिल जाएंगे, निगेटिव रैशनल वो भी आ जाएंगे, आ जाएंगे, ऑन 2 भी है, इरेशनल नेगेटिव वाला अपने उसे पॉजिटिव से ले आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ले आएगा, और रैशनल भी ऐसा कर लेंगे, तो ऑन टू भी है, इन्वर्टिबल है, ये 1 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये 2 4 फंक्शन, ये पॉपकॉर्न ट्रिकले, इतने सारे काउंट एग्जाम्पल में ये काम आने वाले हैं आपके, ऑप्शन एलिमेंट इन्हीं से हो जाते हैं, दिस इज 1 1 ऑन टू इन्वर्टिबल फंक्शन, बट एक्सेप्ट 0 नो वेयर कॉन्टिन्यूअस, बट
इंटरेस्टिंगली इट इज वन वन बट नॉट मोनोटोनिक इन एनी इंटरवल इन एनी सबसेट ऑफ दिस नॉन सिंगलटन की कहीं पर ही मोनोटोनिक नहीं है, है ना। किसी पॉइंट का अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा पर डेल्टा करोगे तो क्या करेगा, ये तो वैसे विचित्र है। इसके जो चिकन पॉक्स के दाने कहां हैं, ठीक है, इन लाइंस पे। अब कोई भी पॉइंट लोगे, ये अल्फा, ये नेबरहुड है, लेफ्ट से भी ऊपर नीचे बार बार, राइट से भी ऊपर नीचे बार बार, इन नो इंटरवल ऑफ दिस एफ इज नॉट मोनोटोनिक इन एनी सब इंटरवल, नॉन ट्रिवियल सब इंटरवल ऑफ दिस एफ इज नॉट मोनोटोनिक इन एनी नॉन ट्रिवियल सब इंटरवल। ये क्वेश्चन है वाइवा का, और बहुत सारे एग्जांपल्स में ये एफ अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होता है ना, एफ अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होता है तो वन वन होता है, बट कोई वन वन है तो इसलिए छोड़ो, मोनोटोनिक भी हो जाए बड़ी बात है, मेरी बात समझ रहे हो ना। वन वन डज नॉट इंप्लाय मोनोटोनोसिटी, स्ट्रिक्ट मोनोटोनोसिटी इंप्लाइज वन वन, पक्का ना। स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक इंप्लाइज वन वन, बट वन वन डज नॉट इंप्लाय मोनोटोनिक, और इवन मतलब स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक छोड़ो, मोनोटोनिक भी डिफाइन नहीं होता मे नॉट, और ये तो और खतरनाक, कहीं नहीं है, कहीं नहीं बख्शा उसने कि कहीं भी थोड़ा बहुत लिहाज कर ले, वन वन है, इन नो सब इंटरवल इट इज मोनोटोनिक, कंफर्म। आगे मतलब रेंज इंटरवल, रेंज इंटरवल और फंक्शन कहीं भी मोनोटोनिक नहीं, रेंज इंटरवल आ रही है, कनेक्टेड सेट आ रहा है, मींस इफ यू हैव टू फाइंड काउंट एग्जांपल ऑफ सच काइंड ऑफ फंक्शंस व्हिच आर वन वन बट नॉट कंटिन्यूअस आइदर एट एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन, इस टाइप से किसी एक पॉइंट पे जीरो बाहर कर दो डोमेन से, तो वन वन तो हो गया, दोनों तो डोमेन से बाहर कर दे जीरो, तो अभी भी वन 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 टू है, अभी वन 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 टू है, स्ट्रिक्टली क्या कहते हैं इन्वर्टिबल है एंड नोवेयर कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। नाउ इफ कंटिन्यूअस एट फाइंड मेनी पॉइंट्स, फाइंड मेनी पॉइंट्स वन वन ऑन टू बट नॉट मोनोटोनिक, ये एग्जांपल। दूसरा इसमें रेंज इज इंटरवल, रेंज इज कनेक्टेड सबसेट, डोमेन इज कनेक्टेड सबसेट, फंक्शन इज वन वन ऑन टू बट नॉट कंटिन्यूअस, मतलब रेंज कनेक्टेड, डोमेन जो मेरा है कनेक्टेड, दूसरा इन्वर्टिबल फंक्शन बट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। मोनोटोनिक फंक्शन ऐसा कर ही नहीं सकते, इफ डोमेन इज इंटरवल मोनोटोनिक फंक्शन आइदर नॉट कंटिन्यूअस और रेंज हैज टू बी इंटरवल। इफ रेंज ऑफ अ मोनोटोनिक फंक्शन ऑन डिफाइंड ऑन इंटरवल इज कनेक्टेड इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, हम बात कर पाएंगे भी आगे, फिलहाल समझ में आ रहा है यहां तक तो। नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारे पास लिख लीजिए, एच एक्स एफ आई एक्स अपॉन एफ जे एक्स, देन एफ आई एफ जे हमारी लिस्ट के हैं, देन एच आई इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। क्या डोमेन होता है एच का, जब नीचे वाला जीरो ना हो वो फंक्शन का डोमेन बन जाता है। सो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, सो क्वांटिटी ऑन आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ट्रू। साइन एक्स अपॉन अ पॉलिनोमियल, ओनली दोज पॉइंट विल नॉट बी इन द डोमेन वेयर डिनोमिनेटर इज जीरो, दैट पॉलिनोमियल एंड दैट इज ऑलवेज फाइनाइट, सो इट इज ऑलवेज एट दिस पॉइंट वेयर फंक्शन फेज टू बी कॉन्टिन्यूअस। अब समझ में आया कि एक फंक्शन ये भी बना सकते थे कि कोई फंक्शन आपको कहना कि ये इस पॉइंट के अलावा सब जगह कंटिन्यूअस हो, तो आप कोई भी वो कहना साइन एक्स अपॉन
जो पॉइंट चाहिए ये बना दीजिए प्रोडक्ट एक्स माइनस एल्फा आई, तो ये तो डोमेन से बाहर हो गए हमारे, और ये डोमेन आर माइनस दिस, अगर इनको डोमेन में लेके आना है तो जीरो वन एक्स इक्वल टू एल्फा आई खत्म, जीरो वन एक्स, और यहां पर जो भी लिख लो यहां पर एफ आई, अब और सुंदर हो गया, एफ इक्वल टू एफ आई एक्स अपॉन दिस वेयर एफ आई एल्फा आई इज नॉट इक्वल टू, इन पॉइंट पे ये जीरो नहीं होना चाहिए, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ओनली कंटिन्यूअस ऑन आर माइनस एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन, इट फेल्स टू बी ओनली एट एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन, इनके अलावा इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है. और ये तो जनरली इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पॉइंट, मतलब कई बार वो इन पॉइंट डिफाइन कर भी दे ना, कई बार डिफाइन कर देता है, तो आपको करना क्या चाहिए, जैसे अब दिया उसने f ऑफ x इक्वल टू सपोज f i x अपॉन f j x, व्हेन x है ना, व्हेन f j x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और बाकी जगह उसने कुछ डिफाइन कर दिया, जीरो व्हेन f j x इक्वल टू जीरो, व्हाट इज डोमेन नाउ, पूरा r आ गया. अब तो हम उन पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा ना, जिन पॉइंट पे जीरो नहीं वहां पर इसको दिक्कत है ही नहीं, बट अब उन पॉइंट पे जहां ये इसकी इक्वल आ गया वहां पे तो अब लिमिट निकालनी पड़ेगी हमको, ठीक है, तो ये चेक करना. तो यहां पर ना अगर ये इफ एफ जे एल्फा इज जीरो एंड एफ आई एल्फा इज नॉन जीरो, देन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एल्फा. अगर डिफाइन कर भी दे ना, या कुछ भी डिफाइन कर दे, या कुछ भी डिफाइन कर दे, अगर जिस पॉइंट पे ये जीरो हो रहा ऊपर वाला जीरो नहीं हुआ वहां पर ना, तो कभी कंटिन्यूस नहीं होगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. लेकिन वो जीरो हो गया ऊपर वाला भी, तो थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा, जैसे वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जीरो पर ये जीरो हो रहा है मेरा, बट ऊपर वाला भी हो रहा है ना, थोड़ा टेस्ट फेल हो गया, पाइप पे नीचे का जीरो हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा, टू पाई पे नीचे वाला ऊपर नहीं होगा, टू पाई पे ऐसा हो सकता है ना. आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको टेस्ट करना चाहिए, जब भी रेशियो ऑफ फंक्शन हो और वो अपनी लिस्ट में से आए, और बिलीव कीजिए 99% केसेस में लिस्ट में से यही फंक्शन घूम फिर के यहां आते हैं, आपको सेपरेट करना आना चाहिए अलग अलग. कौन सा वो जीरो कैसे होगा, फिर नॉन जीरो कैसे होगा वो, अगर तुमने जीरो फंक्शन लिया उसको, तो हाँ तो वो भी जीरो हो जाएगा ना, तो वो तुम्हारा नॉन जीरो लेके चल रहा हूं ना मैं, मतलब ऊपर वाला जिन पॉइंट पे जीरो नहीं है और नीचे वाला उन पॉइंट पे जीरो है, तो रेशियो फंक्शन हैज टू फेल टू बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक है, भले उस पॉइंट पे अगर डिफाइन नहीं किया गया है तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन उसने डिफाइन कर दिया तो उसकी जो मर्जी डिफाइन कर दे, वो कुछ डिफाइन कर ले, ये कभी भी कॉन्टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी वहां पर, ठीक है, लिमिट ही फेल कर जाएगी. आप वी विल वेरीफाई वन बाय वन ऑल दोस रिजल्ट्स, वी आर जस्ट कलेक्टिंग सर्टेन ऑब्जर्वेशन आफ्टर डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्लियर. कौन एल्फाई तो नॉन जीरो जीरो कुछ भी हो सकते हैं, एल्फा किसको नॉन जीरो चल लो, एल्फा नॉन जीरो हो भी सकते, नहीं उसे फर्क कहां पड़ रहा है, एल्फा नॉन जीरो हो जीरो हो, इसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए फंक्शन की इस पॉइंट पे. हाँ नहीं होगा प्रभु, अरे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना बाबा, आपके पास बेसिक रिजल्ट मालूम क्या है सीक्वेंस का, अगर ए एन मेरा किसी अल्फा पे जा रहा है तो मेरा कुछ भी हो एफ ए एन ये कहां जाएगा, ये तो अल्फा पे जाएगा, और ये नॉन जीरो है, अपॉन दिस टेंड टू जीरो दिस होल टेंड टू इन्फिनिटी, तो अपने वहां पहुंच जाएगा वो, ठीक है. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट, ठीक है, तो एच फंक्शन जो हमारे रेशियो से बनने वाले हैं उनको चेक कीजिए.
Next is, hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.